बिहार की पटना साहिब राज्य की सबसे चर्चित सीटों में से एक रही है। अभी बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा यहां से बीजेपी सांसद हैं। साल 2009 से ही लगातार लोकसभा चुनाव पटना साहिब से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा के लिए माहौल बदलता नजर आ रहा है। हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सवाल उठा रहे शत्रुघ्न सिन्हा इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी में रहेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। शत्रुघ्न सिन्हा आज आरजेडी अध्यक्ष के बेटे तेजस्वी यादव से मिलने गए। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने इस मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात नहीं बताया। चंद रोज पहले ही मैं लालू जी से मिलने गया था। सारी प्रशासनिक कार्रवाई पूरी करने के बाद मैं लालू जी से रिम्स अस्पताल में मिलने गया था, हालचाल पूछने आया था, और आज यहाँ पटना आया हुआ हूँ। किसी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं, बल्कि पारिवारिक कारण से आया हूँ, और पारिवारिक कारण से आया तो मेरा फर्ज बनता था कि अपने पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद जी की धर्मपत्नी रबड़ी देवी जी, उनके बच्चे तेज प्रताप या तेजस्वी, हमारे अपने तेजस्वी यादव या फिर हमारी मीसा यादव, ये लोग हमारे फैमिली की तरह हैं, और मैं इनसे मिलने आया था, कभी रिगार्ड्स का मामला था। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कहा कि पटना साहिब में ही लड़ेंगे, चाहे किसी भी पार्टी से लड़ना पड़े। आपने कोई राजनीति की जो बात की है तो उस पर तो मैं तटस्थ हूँ, कह चुका हूँ, और उसी तरह जैसे मैंने कहा था कि पटना साहब मेरी पहली चॉइस है, पटना साहब मेरी दूसरी चॉइस है, पटना साहब मेरी आखिरी चॉइस है, तो उसी आधार को मानते हुए मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चुनाव के संदर्भ में लोकेशन वही होगा, पटना पटना और पटना। साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कैसा प्रचंड बहुमत। अमित शाह जी वो जो प्रचंड बहुमत के लिए मशहूर हैं, उनका प्रचंड बहुमत एक एक्सप्रेशन है, वो हर जगह कहते हैं प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, दो तिहाई मतों से जीतेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए ही कहा था, राजस्थान के लिए ही कहा था, छत्तीसगढ़ के लिए ही कहा था, और तो और बिहार के लिए भी पिछली बार यही कहा था, उससे पहले दिल्ली के लिए भी यही कहा था कि दो तिहाई मतों से जीतेंगे। ये बात अलग है, दिल्ली में दो तिहाई मतों से तो नहीं जीत सके, दो तीन सीटें जीत गए और हमारी स्कूटर पार्टी हो गई, और केजरीवाल जी को 67 सीट्स मिल गई। भूतों ने भविष्य तो। वहीं मीडिया से पूछा गया कि आप पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने हंसते हुए कहा, अब तो घड़ी आ रही है ना, कुछ नतीजे मिलेंगे आपको, कुछ परिणाम मिलेगा, कुछ सच्चाई सामने आएगी। जब जोर जुल्म सितम इस तरह से अगर दिखाई पड़ रहा है लोगों को, जिस तरह से, और कौन है जिसका आपने जिक्र किया, जिस तरह से मुझे आपने खुद ही कहा कि दरकिनार किया गया, मुझे कहीं निमंत्रण नहीं, कहा आमंत्रण नहीं किसी, इस बार भी अभी तक तो मैं बीजेपी में हूँ ना, इस क्षण तक अभी तक तो पार्टी ने मुझे निकाला नहीं है, ना ही पार्टी को मैंने छोड़ा है, तो क्या वजह है कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की रैली थी पटना में, मुझे नहीं बुलाया गया। शत्रुघ्न सिन्हा के तीखे तेवर साफ दिख रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, बीजेपी से मोह भंग हो गया है और नए घर की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।